welcome to john's biology online lecture room. the topic of this video lecture is tissue culture from first year biology chapter number one. first, the definition. tissue culture. it is a technique in which tissue or cell of an organism is taken and grown in an artificial medium in the controlled environment in the laboratory. The technique is used for both plants and animals. The tissue is typically facilitated by the use of liquid or semi-solid growth medium such as broth or agar. Tissue culture produces clones in which the product organism have the same genotype. Tissue culture hamarepas wo technique hedges may hum kisi organism say. टिशू या सेल लेके उसको लेबॉर्ट्री में कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं और उसमें टिशू या सेल को ग्रो करते हैं ताकि हमारे पास आइडेंटिकल प्रोजेनी आ जाए उस ऑर्गेनिज्म के द टेक्निक यूज फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वी नाउ दैट दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स लेकिन मोस्ट कामनली ये टेक्निक जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है एनिमल के लिए यह टेक्निक इतना कामन नहीं है जो ग्रोथ मीडियम हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए वो या तो ब्रोथ होता है या अगर अगर मीडियम होता है हमारे पास जितने भी प्रोजनी आते हैं ऑर्गेनिज़म के जितने भी ऑस्प्रिंग आते हैं जिसकी हमने टिशू या सेल की ग्रोथ की हुई होती है हमारा मकसद होता है कि टिशू कल्चर करे तो जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑर्गेनिज़म आते हैं या सेल्स आते हैं वो सारे जीनोटिपिकली एक जैसे होते हैं उनके जीन्स एक ही तरह के होते हैं और उसी व इसी वजह से उनके जो फिनोटाइप है फिज़िकल अपेरेंस है वो भी एक ही तरह का होता है सारे मतलब है कि एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं बिल्कुल एक जैसे जीनोम होता है एक तरह के जीन्स होते हैं में और एक ही तरह के फिर इस जीन्स के फिजिकल अपेरेंस होती है फिजिकली भी सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं Mechanism. a operators ऑफ टिश्यू कल्चर नंबर वन सेल कल्चर हुड जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारे पास सेल कल्चर हुड है जिसमें हम कल्चर को ग्रो करते हैं आर्टिफिशियली सेकेंड इनक्यूबेटर ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर रिकमेंडेड ये हमारे पास इनक्यूबेटर है जब हम टिशू को ग्रो कर लेते हैं मीडियम में कंट्रोल्ड इन्वामेंट में तो फिर हम इनक्यूबेटर में उसे रखते हैं और एक कांस्टेंट टेंपरेचर इस इंक्यूबेटर में प्रोवाइड करते हैं और उसी तरह ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनक्यूबेटर है ये रिकमेंडेड है क्योंकि इसमें ग्रोथ रैपिड होती है और हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए तो इस वजह से हम ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड के इनक्यूबेटर को रिकमेंड करते हैं प्लांट्स के लिए ताकि इजीली जो है तो उनकी ग्रोथ हो इस इनक्यूबेटर में हमारे पास एक तो ये होता है कि कोई बैक्टीरिया या बाकी वगैरह भी अंदर नहीं जा सकते टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है मोस्टली 27 सेवन डिग्री सेल्सियस राउंड अबाउट रहता है और इसी तरह लाइट भी कंटिन्यूसली मिलता है हमारे पास टिश्यू या सेल को जिसकी हमने कल्चर की, की हुई होती है थर्ड वाटर बाथ यह हमारे पास वाटर बाथ का डायग्राम है आ... फोर्थ रेफ्रिजरेटर माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर है जिसमें टेम्परेचर uh, जो है वो माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है फिफ्थ सेल काउंटर सेल काउंटर में जब हम टिश्यू की ग्रोथ कर लेते हैं या सेल की ग्रोथ कर लेते हैं मीडियम में तो ये हमें बताता है कि अब उस सेल की कितनी डिवीजन हुए हैं और हमारे पास कितने नए सेल्स बने हैं तो ये हमारे पास सेल काउंटर है सिक्स्थ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप ये इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप डायग्राम है सेवंथ लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर ये हमारे पास लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर का डायग्राम है एट ये हमारे पास स्टरलाइजर है जिसमें हम टिश्यू और इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करते हैं मेन स्टेप्स इन टिश्यू कल्चर फर्स्ट सेलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टिश्यू मोस्टली प्लांट टिश्यू From a healthy, vigorous mother plant, this is often the apical bud, but can be other tissue. uh, हम पहले क्या करते हैं? Step number one में कि हम uh, किसी भी healthy plant से टिशू लेते हैं और मोस्टली हम जो है एपिकल बर्ड लेते हैं क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है और एपिकल मेरिस्टेम को जब हम ग्रो करते हैं तो वो हमारे पास जुविनाइल सेल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं उनमें रैपिड डिवीजन होती है और वो आसानी के साथ एपिकल बर्ड की ग्रोथ होती है और आसानी के साथ उसमें डिफ्रेंसी टिशू डिफ्रेंसीशन भी होती है और मुख्तलि आर्गन जैसे रूट और स्टेमोलीव वगैरह आसानी से बनते हैं सेकेंड दिस टिशू मस्ट भी टू रिमूव माइक्रोबियल कंटेमिनट्स जब हम टिशू को ले लेते हैं तो इसके बाद इसको स्टरलाइजर में स्टरलाइज कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर जितने भी माइक्रोब या पैथोजें हैं वो रिमूव हो जाए थर्ड इस्टब्लिशमेंट ऑफ द एक्स प्लांट इन ए कल्चर मीडियम मीडियम सस्टेन द्लान सेल्स एंड इनक्रेज ड इट कैन बी सॉलिड आर लिक्विड फिर हम जो एक्स प्लांट से मुराद यहाँ पर जिस प्लांट का टिशू हमने लिया है एपिकल बर्ड लिया है इस एपिकल बर्ड को हम एक्स प्लांट भी कहते हैं तो उसको कल्चर आ, मीडियम में आ, रखते हैं ताकि मीडियम के अंदर इसकी डिवीज़न स्टार्ट हो जाए अब मीडियम हमारे पास सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी हो सकता है सॉलिड इन फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड होता है फोर्थ ईच प्लांट स्पीशी हैज ए पार्टिकुलर मीडियम रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बाय ट्रायल एंड एरर हमारे पास हर एक प्लांट के लिए मुख्तलि मीडियम रिक्वायर होते सारे प्लांट्स के लिए हम एक ही मीडियम इस्तेमाल नहीं कर सकते मतलब कि मीडियम से मुराद ये है कि बेसिक जो मीडियम है वो तो हमारे पास एगर का होगा लेकिन उसमें हर एक प्लांट्स को न्यूट्रेंट्स डिफरेंट अमाउंट में चाहिए होते हैं डिफरेंट रेशों में चाहिए होते हैं तो हम डिफरेंट रेशों में न्यूट्रेंस प्रोवाइड करते हैं और जब हमें ऑप्टीम मीडियम मिल जाता है जिस पर प्लान्टेपिडली ग्रोथ करता है तो ये हमारे पास फाइनल मीडियम होता है फिफ्थ मल्टीप्लीकेशन गिव राइज टू ए कैलस विच इज बाय बाई शुगर कंसंट्रेशंस एंड ऑक्सिन लो इन हाई रेशो टू फॉर्म मल्टीपल शूट्स डायग्राम में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कैलस है और हम हमारे पास जो एक्स प्लांट था या जो टिश्यू था वो डिवीजन के बाद कैलस बना लेता है कैलस हमारे पास वो टिश्यू होता है जिसमें डिफ्रेंसीशन स्टिम लीव्स और रूट्स की नहीं होती एक कंपैक्ट सेल्स का मजमू होता है फिर हम इसको शुगर की कंसनट्रेशन देते हैं डिफरेंट अमाउंट में और इसी तरह आगजिन और साइटोकाइनिन जो हमारे पास हारमोनस है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास डिफ्रेंसीशन स्टार्ट हो जाए डिफ्रेंसीशन से मुराद ये है कि हमारे पास रूट्स और लीव्स और स्टेम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए सिक्स दैलस मे भी सब डिवाइड नंबर ऑफ टाइम्स Uh, फिर कैलस जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा प्राजीनीज आ जाए सेवंथ रूट फॉर्मेशन दी शूट्स आर ट्रांसफर टू ए ग्रोथ मीडियम विद रिलेटिवली हाई आगजिन एंड साइटोकाइनिन रेशोज रूट फार्मेशन के लिए हम जो कैलस है उसको Uh, दूसरे मीडियम ग्रोथ मीडियम में ट्रांसफर कर लेते हैं जहाँ पर ऑक्जीन और साइटोकाइनिन ज़्यादा अमाउंट में होता है ताकि हमारे पास प्रॉपर रूट्स बने और इसी तरह प्रॉपर स्टेम और लीव्स बने एट द रूट शूट्स आर पॉटेड अप एंड हार्ड एंड ऑफ बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। दिस इज यंग टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैव नो वैक्सीक्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस इसके बाद हम जो हमारे पास प्लांट बन जाता है जिसमें रूट और शूट्स होते उसको हम गमलों में शिफ्ट कर लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट में पहले तो हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करते फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर की कंसनट्रेशन और ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करते ताकि हमारे पास जो रूट और स्टेम के टिश्यूज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होते जाए और ये जो ह्यूमिडिटी और वाटर को ग्रेजुअली हम डिक्रीज कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि यंग टिश्यूज़ पर हमारे पास क्यूटिकल नहीं होता और वाटर की ऑपरेशन ज़्यादा होती है तो वाटर के ऑपरेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम इन्वायरमेंट uh, को ह्यूमिड बना लेते हैं और सप्लाई ऑफ वाटर भी प्लांट को ज़्यादा करते हैं जब टिशू हार्ड हो जाते हैं क्यूटिकल आ जाता है उसके ऊपर तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वाटर और ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करते हैं ताकि हमारे पास प्लांट जो है वो नॉर्मल इन्वायरमेंट की तरफ आ जाए और नॉर्मल इन्वायरमेंट में उसका ग्रोथ पॉसिबल हो थैंक यू फॉर वॉचिंग